किसने लोकसभा चुनाव में लालू से गठबंधन करने से किया इनकार? किसने कहा दागदार लालू से नहीं करेंगे गठबंधन? चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू यादव के लिए राजनीतिक मुश्किलों का दौर भी शुरू हो चुका है। लालू यादव को भले ही कांग्रेस का साथ मिला हुआ हो, लेकिन बाकी के दल उनसे गठबंधन को लेकर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। येचुरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार से दागदार लालू यादव की पार्टी आरजेडी से चुनावी गठजोड़ करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार से दागदार किसी भी दल के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। येचुरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी और राहुल के अलावा बाकी ताकतों को नजरअंदाज करने को लेकर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कुछ मीडिया संस्थान 2019 के लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम राहुल बनाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरी ताकतों को नजरअंदाज करना गलत है। येचुरी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि सांप्रदायिक शक्तियों और बीजेपी की गलत आर्थिक नीतियों को चुनौती दी जा सके। उन्होंने कहा है कि चूंकि देश को बीजेपी मुक्त सरकार की जरूरत है, ऐसे में उनकी पार्टी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन को बाहर से समर्थन करेगी, जैसा कि साल 1979, 1996 और 2004 में किया गया था। सीपीआई ने इस दौरान वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा और यूपीए 1 की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव चारा घोटाला मामले से जुड़े एक मामले में 3.5 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन लालू के जेल जाने के बाद से जिस तरह राजनीतिक पार्टियां उनसे किनारा कर रही हैं, उससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।